हिंदुस्तान अब समंदर में दहाड़ मारेगा। नौसेना ने ऐसी तैयारी की है कि दुश्मन को खबर भी नहीं होगी और वो मारा जाएगा। आज CDS बिपिन रावत ने युद्धपोत से जुड़े एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की। भारत अब समंदर में दुश्मनों की हेकड़ी निकालेगा, हिंदुस्तान समंदर में अपने बादशाह कायम करेगा। इसी कड़ी में वो नौसेना की ताकत दोगुनी करने में जुट गया है। हिंदुस्तान ऐसे युद्धपोत का निर्माण कर रहा है जो दुश्मन को भनक भी नहीं लगने देगा और काम तमाम कर देगा। प्रोजेक्ट 17A के तहत GRSE अब 3 नौसेना युद्धपोत का निर्माण कर रही है। GRSE भारतीय नौसेना के युद्धपोत के निर्माण और मरम्मत का काम करती है। यह युद्धपोत कई तरह की खासियत से लैस है। नौसेना को पहला युद्धपोत साल 2023 में मिलेगा। दूसरा युद्धपोत नौसेना को 2024 तक मिलने की उम्मीद है। 2025 तक तीसरा युद्धपोत मिल सकता है। CDS बिपिन रावत ने आज कोलकाता में 17A फ्रिगेट वॉरशिप के पहले प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। इस युद्धपोत की सबसे खास बात यह है कि किसी भी रडार के पकड़ में नहीं आएगा। पहले युद्धपोत के लॉन्चिंग के बाद यह अलग अलग परीक्षणों से गुजरेगा और इसमें अत्याधुनिक उपकरण लगाए जाएंगे, जिसके बाद इसे नौसेना को सौंपा जाएगा। 17A प्रोजेक्ट के तहत 3 स्टिल्थ फ्रिगेट के निर्माण का ठेका 19,294 करोड़ रुपए में दिया गया है।